निसा, निसा मेरी बात सुनो निसा। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। जरखान दरवाजा खोलो, तुम मुझे कैद नहीं कर सकते इस घर में। खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो। निसा क्या हुआ है? खोलो दरवाजा। मुझे भी इस घर में कैद कर दिया है। दरवाजा खोलो। निसा अंदर आओ, मैं बात करती हूँ। आप क्या बात करेंगी? आप तो खुद कैदी है इस घर में। प्लीज निसा, कम इनसाइड। दरवाजा खोलो। निसा जी बाहर निकलने दे, छोड़ो। स्टॉप इट। खोलो दरवाजा। क्या बात है, क्या हुआ है? अपने शौहर से जाके कहें कि ये दरवाजा खोले, वरना बहुत बुरा होगा। मुंह क्या देख रही हो? पकड़ो उसको। निसा क्या कर रही हो? मेरे पास की है सर। स्टॉप इट। अम्मी आपको नहीं पता कैसे डील करते हैं लोगों से। खोलो दरवाजा। ये दरवाजा उसके हुक्म से खुलेगा जिसके हुक्म से बंद हुआ है। तो बुलाए ना उसे, क्यों डर के बैठा हुआ है अपने कमरे में? तमीज से नाम लो उनका, वरना वरना क्या करेंगे आप? हाँ मारो गोली, मारो ना, मारो गोली। मारते क्यों नहीं? छोड़ी, इसमें इतनी हिम्मत ही नहीं कि मुझे गोली मार सके। देख ली थी इसकी मैंने धमकियां। दो टके का इंसान है ये और इसका बाप। मिस्टर वो मैं कोर्ट आया हुआ था। इतनी रात गए तुम कोर्ट के लिए निकले थे? एक जरूरी विटनेस से मिलना था इसलिए। सज्जाद आर यू स्टूपिड या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? जिस इलाके का डीसी सब कुछ मेरे इशारों पे करता है वो क्या मुझे नहीं बताएगा कि तुम कहाँ हो और वो लड़की कहाँ है? सब लोग परेशान है उसके लिए। और उस लड़की को इस तरह लेकर घूमना ही था तो मुझे होम मिनिस्ट्री तक क्यों लेकर गए थे? इस लड़की को फॉरन डीसी के हवाले करो, उसी का स्क्वाड से लेकर आएगा जी। और तुम भी फॉरन आओ, मैं डीसी से बात कर लेता हूं, अरेंजमेंट कर देगा। सुनो वो बीबी कहां है? जो लड़की यहां पर थी वो कहां गई? साहब पीछे दीवार फ्लांक करी गई होगी, हमने तो गेट से एक मुर्गी भी नहीं गुजरने दी। दीवार फ्लांक की गई है या फिर कोई उसे दीवार फ्लांक के लेके गया है? अल्लाह जानता है साहब, हमने नहीं देखा किसी को, ना आते हुए ना जाते हुए। अब मैं इतना कमजोर भी नहीं हुआ कि मेरी इजाजत के बगैर मेरी प्रिंसेस में से कोई किसी को उठा कर ले जाए। सर दो दो रुपए में बिकते हैं आप ही सिपाही, क्या मैं नहीं जानता आपकी अथॉरिटी को? खाल उतार कर रख दूंगा उसकी जो भी इन्वॉल्व होगा। हाँ तो खाल का मैं क्या करूंगा? मिस्टर फरजाद ध्यान से बात कीजिए, इस वक्त आप मेरे ऑफिस में बैठे हुए हैं और आपका लहजा खासा इंसल्टिंग है। आई एम सॉरी सर, जहां मैं अपनी बेइज्जती पे चीख रहा हूँ, सरदार जरा खान ने मुझे इस मसले के हल के लिए निसा को साथ लाने के लिए कहा है। आप बताइए मैं क्या जवाब दूं उन्हें?
सरदार जर्क खान ने पुलिस को अपने साथ मिलाकर अगर अपनी बेटी उठवा ली है तो इसमें आपको किस तरह से जवाब देना होगा? बुल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।